तारीख का कार्यक्रम था। और मैं दरअसल में गया था उदयपुर, कल भीड़ भाड़ में मीटिंग करने के बाद मैं उदयपुर गया था। मेरे एक मिलने वाले मित्र कार्यकर्ता के पिताजी देवलोक सुधार गए, उनकी गमी में मिलने गया था, बैठने गया था, गमी में नहीं जाने दिया। और उदयपुर के एक होटल में जहाँ मैं रखा था, चारों तरफ पुलिस ने घेर लिया। एसपी साहब आए, भारी पुलिस बल आया और मेरे को वहाँ से उठा लिया। वहाँ इतना जरूर था, मेरे को 3:30 बजे पत्रकार वार्ता करनी थी इस बात पर कि चिंतन शिविर तो ठीक है, लेकिन इस बात की भी चिंता करो कि राजस्थान में आदिवासियों की बड़ी बदहाली में जीवन अपना निकाल रहे हैं। वहाँ युवतियों का अपहरण हो रहा है, युवतियों का देह शोषण हो रहा है, वहाँ युवतियों का खरीद फरोख्त हो रहा है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, पलायन वहाँ पर हो रहा है, भूख से लोग मर रहे हैं, भूखमरी है, कुपोषण है और धर्म परिवर्तन जबरन किया जा रहा है। तो इन पर चिंता करनी चाहिए, कांग्रेस को इस पर पत्रकार वार्ता करनी थी। और जहाँ कांग्रेस सम्मेलन करने जा रही है, उस होटल का अवैध निर्माण किया है गहलोत साहब की परमिशन से, नाले पर होटल बना डाली, फॉरेस्ट का एरिया कवर कर लिया, पहाड़ को काट लिया और वहाँ पर उस अवैध सारे कानून को ताक में रखकर गहलोत साहब ने उस होटल की परमिशन दे दी, जबकि UIT ने मना कर दिया था। ये मैं मीडिया के द्वारा सोनिया जी को आग्रह करना चाहता था कि ऐसी होटल में आप कांग्रेस का सम्मेलन नहीं करें, लेकिन पुलिस ने मेरे को बलपूर्वक से उठा लिया। रास्ते में मैंने श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहा तो वहाँ भी दर्शन नहीं करने दिए। मेरी गाड़ी में एडिशनल SP बैठ गए, वहाँ के एक थानेदार बैठ गए और 5-6 गाड़ियों का लवाजमा लेके मेरे आगे पीछे हो गए। यहाँ पुष्कर में कल से जगतगुरु शंकराचार्य का वो है साधना शिविर, मेरा निमंत्रण है, वहाँ मैं जाना चाहता हूँ और पुलिस नहीं जाने दे रही, घेर के बैठी। आप देख लो चारों तरफ पुलिस है, ये नहीं जाओगे सर, कोई किसी प्रकार का कारण की पुलिस आप कोई कारण आप पूछो ना, कोई कारण बता ही नहीं रहे, नहीं ना आप नहीं जाओगे। माना जा रहा है कि चिंतन शिविर को लेकर के आप ऐसे चिंतन शिविर को रोकने के लिए नहीं, तो पर मैं उदयपुर से तो आ गया पत्रकार जी, मैं उदयपुर छोड़ आया, उदयपुर तो यहाँ से बहुत दूर है। मेरे को जगतगुरु शंकराचार्य के साधना शिविर में जाने, तो मैंने वहाँ किया था 13-14-15 को धरियाबद में देश के आदिवासियों का एक सम्मेलन रहा, जहाँ मेरे को बुलाया, वहाँ भी नहीं जाने दिया, यहाँ भी नहीं जाने दे रहे। तो मेरे तो लोकतांत्रिक अधिकारों का पूरी तरह से हनन हो रहा है। गहलोत साहब लोकतंत्र के अधिकारों की बात करते हैं, संविधान की करते हैं, वो कहाँ चला गया संविधान में? गहलोत साहब का लोकतंत्र के अधिकार कहाँ गए? ऐसा या तो इमरजेंसी में हुआ था, जब गहलोत साहब की सरकार में हो रहा है, ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ? आखिर कारण तो बताए पुलिस प्रशासन और राजस्थान की सरकार, कोई कारण भी नहीं बता रहे, आप पूछ लो उनसे। अब क्या करेंगे सर आप? अभी भी आपको रोक रखा है यहाँ पर। मैं तो खड़ा हूँ, क्या करूँ? मैं तो डेमोक्रेटिक तरीके से विरोध प्रदर्शन कर सकता हूँ, सड़क पर बैठ सकता हूँ गाड़ी से उतर कर, वो उसके अलावा मेरे पर कोई रास्ता नहीं है। हो सकता है गिरफ्तार करें तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आखिर में ऐसा दमन कब तक होगा, ऐसे अत्याचार कब तक होंगे, ऐसे मनमानी कब तक चलेगी सरकार की? मेरा विशेष अधिकार है, साधारण नागरिक होने के साथ साथ मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, मेरे विशेषाधिकार का हनन किया जा रहा है गहलोत सरकार द्वारा। ठीक है सर।